डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज़ ग्रेटर, इसमें से बड़ा कौन सा, हमें वो देखना है। तो देखिए पहला जो है वो है 0.5 और 0.05, इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है। तो देखिए 0.5 जो है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.50 और 0.05। तो देखिए आप इन दोनों में से देख सकते हैं कि ये जो है ना अगर पॉइंट नहीं होगा, देखिए दोनों के डेसिमल के बाद, दोनों के डेसिमल के बाद दो डिजिट करके दोनों में है, ठीक ना। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 0.5 है। आपको पता है कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 होगा और एक में होगा 5/100, तो ऑफकोर्स ये जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक ना। और इसको देखिए आप हमेशा कोशिश करेंगे कंपेयर जो है ना, अब हमेशा डेसिमल के बाद इक्वल मतलब नंबर रख के कंपेयर करना, ठीक ना। तो इसको देखिए 0.7 और 0.5, तो यहाँ पे तो ये दोनों के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, तो ये आपको आराम से समझ में आ ही रहा होगा, ये जो होगा 0.7 होगा, ठीक ना। इसके बाद है 7 और 0.7। देखिए एक आपका होल नंबर है और एक आपका डेसिमल नंबर है, तो ऑफ कोर्स आपका जो होल नंबर होगा वो बड़ा होगा डेसिमल नंबर से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1.37 और 1.49, तो यहाँ पे देखिए 1.37 जो है उससे 1.49 वो बड़ा होगा, ठीक है। इसका देखिए 2.03 और 2.30, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों का सेम नंबर है और होल नंबर दोनों का सेम है, पहले देखिए होल नंबर दोनों का सेम है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 0.3 है और एक है 0.3 और 3.0, 3.0 जो है ना वो 0.3 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो लास्ट है वो है 0.8 और 0.08। तो देखिए यहाँ पे पहले आप डेसिमल के बाद दोनों बराबर नंबर कहिए, तो देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स 0.88 बड़ा होगा, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस एज ए रूपी यूजिंग डेसिमल, हमें डेसिमल को यूज़ करके रूपी में कन्वर्ट करना है, ठीक ना, इफ करना है। तो देखिए 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, ये आपको काम आने वाला है। तो देखिए 7 पैसा को अगर हमें रुपी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7/100, ठीक ना, ये हो जाएगा आपके लिए रुपी, तो आप यहाँ पे रुपी सिंबल दे दीजिए। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.07, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका देखिए 7 रुपी 7 पैसा 7 रुपी, देखिए जो रुपी पार्ट है उसको आप वैसे ही रखिए, उसको आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और जो 7 पैसा है ना 7 पैसा को आप 7/100, तो ये वो जो होगा वो आपका रुपी हो जाएगा रुपीस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 रुपी और यहाँ पे आ जाएगा 0.07 रुपी, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7.07 रुपी, ठीक है, 77 रुपी 77 पैसा। तो आपको रुपी को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 77 रुपी को आप ना वैसे ही रख दीजिए, ठीक ना। 77 पैसा को आप 77/100 रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल गया 77 रुपी और ये हो जाएगा 0.77 रुपी, ठीक ना। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 77.77 रुपी, ठीक ना। तो देखिए इसका नेक्स्ट जो है ना 50 पैसा मतलब 50/100 रुपी, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 0.5 रुपी, ठीक है। इसके बाद देखिए 2.235 पैसा, तो 2.235 पैसा मतलब 2.35/100, ये हो जाएगा रुपी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2.35 रुपी, ठीक ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए आपको कुछ यूनिट पता होने की ज़रूरत है, जैसे 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक ना, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और 1 किलोमीटर मतलब 1000 × 100, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100000 सेंटीमीटर, ये चीज़ आपको काम आएगा। तो देखिए पहले अगर हम 5 सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करिए तो क्या करना पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, 5 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करें तो 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.05 मीटर, हाँ ठीक है, यूनिट में आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको पहला आंसर हो गया। और अगर देखिए वैसे अगर 5 सेंटीमीटर को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 डिवाइडेड बाय देखिए 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए 5 के बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे टोटल 4 जीरो बैठाएंगे हम, इसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक ना, देखिए यहाँ पे टोटल 5 था, तो यहाँ पे 4 एक नंबर और इसके बाद पहले 4 जीरो बैठेगा, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद नहीं देखिए एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर, ठीक ना, तो 35 को हमें सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर, ठीक ना। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, 35 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 35 बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए 35 मिलीमीटर मतलब 35 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, मतलब देखिए 35 बैठा दे, इसके बाद एक जीरो और बचता है, तो मतलब जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.35 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35 मिलीमीटर इक्वल टू 35 बाय 10 लाख किलोमीटर, तो देखिए यहाँ पे आप 35, इसके बाद देखिए कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, हमें और 4 जीरो बैठाना है, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए आप देखिए बहुत सारा जीरो अगर नीचे है तो डेसिमल पॉइंट बैठाने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, जितने जीरो है ना, 1 के बाद जितने जीरो है डेसिमल के बाद उतने नंबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर हमने बैठा दिया था, 3 और 5, तो हमें और 4 नंबर चाहिए था, इसीलिए हमने 4 जीरो बैठाया, ठीक ना। आप ऐसे काउंटिंग करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन केजी, 1 kg = 1000 ग्राम, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो हम इसको एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। तो देखिए 200 ग्राम है, तो इसको अगर हम 200 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, केजी मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.2 kg, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका देखिए 3470 ग्राम, तो मतलब 3470 बाय 1000, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका केजी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल गया 3.47 kg, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 kg 8 ग्राम, ठीक ना, तो हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो आप एक काम कीजिए 4 जो है ना वैसे रख दीजिए, हम एक काम करेंगे जो 8 ग्राम है ना इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक ना, तो ये हो जाएगा केजी हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 + 0.008, ये हो जाएगा केजी, और हमें मिल जाएगा 4.008 केजी, ठीक ना, तो आपका ये आंसर हो गया।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंड फॉर्म। हमें एक्सपेंड फॉर्म में जो है ना वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये देखिए 220 है, मतलब 2 × 10, 0 × 1। देखिए अभी डेसिमल है, डेसिमल का मतलब होता है 1। देखिए अभी फर्स्ट चीज के लिए 1/10 होगा और सेकेंड प्लेस के लिए 1/100 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसका नेक्स्ट देखिए 2.03, 2.03 का मतलब होता है 2 × 1 + 0 × 1/10 और 3 × 1/100, ठीक है। इसका देखिए 200.03, 200 मतलब 2 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हम उसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर में जो ये पे इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर में यहाँ पे 2 का वैल्यू देखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 जो ना वो होल नंबर 1 प्लेस में है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 2 ही होगा। यहाँ पे 2 जो है ना वो टेंस प्लेस में है, तो यहाँ पे 20 होगा। यहाँ पे जो 2 है ना वो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, ठीक ना। इसका देखिए 9.42, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगा 0.02। इसका जो लास्ट है वो है देखिए 63.352, मतलब 0.002, ठीक ना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दानिश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। देखिए यहाँ पे एक लाइन मिस हो गया था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में ए लाइन हमने यहाँ पे लिख दिया। आई वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, ठीक ना। तो डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी। हु ट्रेवल मोर बाय हाउ मच, किसने कितना ट्रेवल किया। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो हमने लिख दिया है। तो देखिए हम इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए दानिश ट्रैवल, देखिए उसने कितना ट्रैवल किया हम ये देखते हैं। प्लेस ए टू बी, ठीक ना, उसने ये ट्रैवल किया और इसके बाद प्लेस बी टू सी, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना यहाँ ये अब इसका वैल्यू जो है ना वो दिया हुआ है। देखिए ए से लेके बी तक का जो वैल्यू है वो है 7.5 और बी से लेके सी तक का वैल्यू क्या है वो है 12.7 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 0 2, तो 20.2 किलोमीटर, ठीक है। और इसका देखिए आइप का देखते हैं हम, ठीक ना। तो उसने क्या किया, उसने ट्रैवल किया, देखिए ट्रैवल किया है फ्रॉम प्लेस ए टू डी, उसने प्लेस ए टू डी ट्रैवल किया और इसके बाद उसने डी से लेके सी तक ट्रैवल किया। तो देखिए ए से जो डी का ट्रैवल है ना, ए से लेके जो डी का ट्रैवल है वो है 9.3 किलोमीटर और जबकि बी से लेके डी से लेके सी तक का जो ट्रैवल है ना वो कितना है, वो है 11.8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 121.1 किलोमीटर। तो देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 20.2 से 20.1 ये दोनों जगह दोनों में किलोमीटर है, दोनों ये बड़ा है, तो ट्रैवल मोर, ठीक ना। तो ये आंसर हो गया आपका। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए शर्मा बॉट 5 kg 300 ग्राम आपेल एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोस।
शाराला ब्रॉट 4 kg 800 g ऑरेंज एंड 4 kg 150 g बनाना, हु ब्रॉट मोर फ्रूट। तो इसको हम ना बहुत ही सिंपली कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 5 kg 300 g एप्पल, आप ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे लिखिए 3 kg 250 g मैंगोस, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, तो 550 g और 8 kg, ठीक ना। ये फ्रूट्स हो गया। आप इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो डेसिमल में हो जाएगा 8.55 kg, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा था हम उसको देख लेते हैं। तो पहले ने खरीदा था 4 kg 800 g ऑरेंज, ठीक ना, और इसके बाद 4 kg 150 g बनाना। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ग्राम लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 8 kg 490 g फ्रूट्स। तो ये जो है ना इसको भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो 8.95 kg आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा है किसने ज़्यादा खरीदा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सारा ब्रॉट मोर फ्रूट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर फ्रॉम 42.6 किलोमीटर, ठीक ना। तो देखिए आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि 42.6 जो है ना वो बड़ा है 28 से, पर हमें पता करना है कि क्यों कितना बड़ा है। तो सिंपल है, आप माइनस कर दो, तो हम वही करेंगे, हम यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, 28.0 किलोमीटर से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 6, तो पॉइंट यहाँ पे 4, 1, तो आंसर जो होगा 14.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो आप हमें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब लेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।